चंडीगढ़ भले ही स्मार्ट सिटी कहलाता हो, यहाँ का प्रशासन शहर की व्यवस्था के दुरुस्त होने के दावे करता नहीं थकता। चंडीगढ़ प्रशासन के ऐसे ही दावों की पोल खोलता एक मामला सामने आया है। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के किरण सिनेमा के साथ लगती पार्किंग की है, जहां पर पार्किंग ठेकेदार के करिंदों ने पैसे वसूलने के नाम पर ना सिर्फ गाली गलौज की बल्कि गाड़ी में बैठे शख्स और महिलाओं के साथ मारपीट भी की और उसके बाद वहां से फरार हो गए। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 10 रुपए की पार्किंग की जगह पार्किंग करिंदा 100 रुपए की मांग करने लगा। वहीं पीड़ित महिला ने लिखित में अपनी शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दर्ज करवा दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसी बदसलूकी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बावजूद इसके पीड़ित महिला को पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर संदेह है। सर, हम 22 की मार्केट में अपनी सिस्टर से मिलने आए थे। वो 22 की मार्केट में दुकान है उसकी लकड़ी के सामान की, तो हम उससे मिलने के लिए आए। जैसे ही हम वापस जाने लगे तो मेरा ब्रदर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो जब हम एंटर हुए तो इन्होंने बोला कि जाते हुए आप मतलब पैसे दे देना उसके पार्किंग के, ठीक है। तो जब हम जाने लगे तो इन्होंने बोला कि नहीं, 10 रुपये नहीं लगेंगे, मतलब आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे पेनल्टी। तो मतलब मेरे ब्रदर ने उनसे ये बोला कि आपने ही बोला था जाते हुए 10 रुपये पार्किंग के पैसे दे देना, तो वो गाली गलौज करने लगे, तो हाथापाई करने लगे। तो हम बीच में आए तो उन्होंने हमारे ऊपर भी हाथ उठाया, बदतमीजी से गला पकड़ा, मेरे बाल पकड़े, और एक पड़ोस में चाय की दुकान थी, आंटी चाय बना रहे थे, वहाँ से उनका चाय का फ्राई पैन साइड में उठा के स्टॉप उठा के मुझे मारने लगा। पीछे से एक अंकल आए, उन्होंने मुझे बचाया और इन्होंने मेरे भाई और मेरी बड़ी बहन को बुरी तरह से मारा। और मुझे नहीं, ये 22 की जो ये किरण थिएटर है उसके सामने बीट बॉक्स है, वहीं पर हुई है पार्किंग। कितने बंदे पार्किंग में? बहुत सारे बंदे थे, और जिनमें से दो बंदों ने जो बोल रहे थे हम यहाँ के बाउंसर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम यहाँ से बच के नहीं निकलोगे, तुम्हारा यहीं पे बुरा हाल होगा, उन दो बंदों ने, एक वाइट शर्ट टी शर्ट में था और एक ब्लैक टी शर्ट में था, दो लड़कों ने हमें बुरी तरह से मारा। फिर 3-4 पुलिस कर्मचारी खड़े थे जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना बीच में आए हमें बचाने के लिए। इसकी शिकायत पुलिस चौकी थाने के 22 में करी है। अब देखो क्या कार्रवाई होती है या कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक वो लड़के पुलिस चौकी में भी नहीं आए।